पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। इसराइल हमास जंग के चौथे दिन पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। उन्होंने पीएम को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ हैं। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सेना ने घोषणा की है कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा में 200 जगहों को निशाना बनाया है। अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जंग में इसराइल के करीब 123 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इसराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया था। इसके बाद रात भर इसराइल ने गाजा पर हमले किए। जवाब में हमास ने धमकी दी है कि वो इसराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।